Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. Having said that, I think the Congress party also sent observers to Rajasthan at one point to have a meeting of the MLAs, September 25th, 2023. That meeting didn't take place, unfortunately. They couldn't even meet with people. I know. So that, I mean, it's never happened before. Yeah. A Congress legislative party meeting in Yopaithi. So Kharge Sahab and Ajay Makanji had gone as observers. Yeah. So the meeting didn't take place, unfortunately. And then a lot of things happened after that, which I don't want to go into. But we don't know what the meeting would have ended up. Usme kya result nikal kar aata. But acha hota agar meeting ho jati ek bar. Ek bar phir se Sachin Pilot ke dil ka dard bahar nikla hai. News agency ANI se baatcheet karte hue Sachin Pilot ne ek bar phir se yahi baatein kahi. भले ही सचिन पायलट साल भूल गए हो, क्योंकि वो मीटिंग 25 सितंबर 2022 को होनी थी, लेकिन वो दिन शायद पायलट कभी नहीं भूल पाएंगे। भले ही कांग्रेस कहे कि पार्टी में कोई मनभेद नहीं है, पायलट और गहलोत भी कह दे उनके बीच कोई मतभेद नहीं है, लेकिन सबको पता है कि दोनों के दिलों की दूरियां अभी भी नहीं मिट पाई है। गाहे बगाहे पायलट के दिल का दर्द बाहर आ ही जाता है। न पायलट 25 सितंबर के दिन को भूल पाए हैं और न गहलोत मानेसर प्रकरण को भूल पाए हैं। वो भी कह देते हैं कि उन्हें पता है कैसे उन्होंने अपनी सरकार को गिरने से बचाया था। अब कांग्रेस ने सचिन पायलट को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट का ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, यानी सचिन पायलट कन्हैया कुमार का चुनाव मैनेजमेंट और प्रचार के अभियान का जिम्मा संभालेंगे। तो वहीं गहलोत को अमेठी का ऑब्जर्वर बनाया गया है। इसके बाद से चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म हो गया कि आखिर गांधी परिवार के करीब कौन है। 25 सितंबर की घटना के बाद गांधी परिवार को लेकर कहा गया कि वो गहलोत से नाराज हैं। लेकिन क्या समय के साथ ये नाराजगी दूर हो चुकी है? गहलोत ने अपनी जादूगरी से गांधी परिवार को मना लिया है। कई महत्वपूर्ण मौके पर गहलोत गांधी परिवार के साथ दिखाई दिए। रायबरेली में राहुल गांधी के नामांकन में भी गहलोत पहुंच गए और उसके कुछ दिनों बाद ही गहलोत को अमेठी की जिम्मेदारी मिल गई। हालांकि दोनों नेताओं के समर्थक अपने अपने नेताओं की पैरवी ही करेंगे, शायद कोई इससे हताश और निराश भी हो सकता है, लेकिन एक पार्टी कई चीजों के आकलन के बाद ही एक नेता को जिम्मेदारी देती है। अब पायलट और गहलोत दोनों के कंधों पर ही पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी है। 4 जून को ही पता चलेगा कि कौन कितना अपने काम में सफल हुआ है। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।